नमस्कार, मैं संगीता राय पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस पोर्टल पर आपका स्वागत करती हूं। और सीधे चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो आजमगढ़ से है। देखिए हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह रिपोर्ट। आखिरकार माफियाओं के दबाव में मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज सिंह ने इस्तीफा दे ही दिया। दरअसल पिछले एक सालों से ठाकुर मनोज सिंह के मुताबिक उनके ऊपर काफ़ी दबाव था, क्योंकि वह अपना काम ईमानदारी से करना चाह रहे थे और कुछ माफिया उनसे जबरन अपना काम करवाना चाह रहे थे। मीडिया से वार्ता के दौरान ठाकुर मनोज सिंह ने कहा कि मेरे विरुद्ध झूठी साजिश रच करके मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। मेरे विरोधियों द्वारा मुझे और मेरे परिवार वालों को, शुभचिंतकों को, सभी को झूठे मामलों में फंसाया गया। मेरे पूरे परिवार की मानसिक स्थिति इन दिनों काफ़ी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि लगातार हम लोग के ऊपर किसी न किसी का दबाव बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे परिवार के पूरे लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को क्षेत्र में घूमने भी नहीं दिया जाता है। उनका कहना था कि मेरे विरोधी और माफियाओं द्वारा मेरे हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसे लेकर के भी मेरा परिवार काफ़ी चिंतित है। मुझे अपने क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज के खंड विकास अधिकारी, सहायक खंड विकास अधिकारी और सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला। इतना ही नहीं, मुझे अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों और क्षेत्र की आम जनता का भी पूरा सहयोग मिला, क्योंकि मैंने अपना पूरा काम ईमानदारी से किया और अपनी मेहनत के बल पर मार्टिनगंज ब्लॉक को नंबर वन बनाया। अब आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पहले मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए कुछ लोगों द्वारा मनोज सिंह को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लाया गया, जिसकी दो दिन बाद सुनवाई होनी थी। ऐसे में ठाकुर मनोज सिंह का इस्तीफा देना निश्चित तौर पर सभी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। आजमगढ़ में आज भी माफियाओं का दबाव है, और मेरे ब्लॉक पे कुछ ज़्यादा ही दबाव था माफियाओं का। रोज मुझे धमकी मिल रही थी, मेरे परिवार को धमकी मिल रही थी। रोज की धमकियों से मैं तंग आ गया था। मैं क्षेत्र में घूम नहीं पा रहा था। ब्लॉक पे आके उनके लोग कब्जा करके बैठे रहते थे। अधिकारी डरे हुए थे, जिसकी वजह से मैं एक तय किया कि मैं इस्तीफा दे के ही सेफ रह सकता हूँ। अनर्गल काम कराना चाहते थे, जो मैं करने नहीं दिया था। आज 20 साल से जो उनकी मोनोपोली ब्लॉक पे चल रही थी, वो मोनोपोली मैंने तोड़ा था, और वो चुनाव हारे थे। वो सारे चीज़ों को देखते हुए वो मेरे ऊपर काफ़ी दबाव बना रहे थे। मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य आज भी मेरे साथ थे और कल भी मेरे साथ थे, और जो जिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लाया गया, उनको दबाव में लाया गया। हमारे यहाँ उच्च जातियों का एक इलाके में एक माफियाओं का कब्जा है। वो दबाव मैं था नहीं, दो महीना उस दबाव में लेके आए। अगर डीएम साहब वक्त दें तो मैं आज 4 बजे 60 से 70 BDC ला के खड़ा कर दूँ। माफिया सारा जिला जानता है कौन है उस क्षेत्र में। नाम लेना से उनकी शोहरत नहीं बढ़ाना चाहता मैं। अच्छा, आपको धमकी दी जाए तो पुलिस को सूचना वगैरह नहीं दिया? पुलिस को सूचना देने पे मेरे विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। जब से प्रमुख बना था तब से मेरे विरुद्ध 8 मुकदमे फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, जिन्हें मैं जानता नहीं था, उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता था। इतना नहीं, मेरे साथ लोग जो लोग मेरे साथ चलते थे उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया जाता था। हाँ, क्योंकि मानसिक रूप से मैं काफ़ी तनाव में हूँ, यहाँ के लोगों से भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य और शासन और प्रशासन से पूरी मदद मिली मुझे, लेकिन यहाँ के लोगों की मानसिकता में बदल नहीं पाया। क्षेत्र में बने रहेंगे? क्षेत्र में बना रहूँगा।